तो लगभग अगस्त स्टार्ट हो चुका है और सितंबर में जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही है कि आईफोन्स रिलीज होते हैं, बट इस साल जो है वो हो सकता है ऐसा नहीं हो। ना ही सिर्फ आईफोन्स जो है वो डिले हो चुके हैं बल्कि महंगे भी हो चुके हैं इंडिया के अंदर। बट इसके पहले मैं एक्जैक्ट लॉन्च डेट और एक्जैक्ट प्राइसेस को जो है वो डिस्कस करूं, अपन जो है वो जान लेते हैं कि क्या क्या नया आने वाला है इस साल के आईफोन्स के अंदर। जैसे कि अपन पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहा था कि इसके अंदर जो है वो हैप्टिक वॉल्यूम बटन्स जो है वो अपने को देखने को मिलेंगे, तो वो वाला लीक जो है वो बिल्कुल डिस्कार्ड जो है वो कर दिया गया है। इसके अंदर जो है वो नॉर्मल वॉल्यूम बटन ही जो है वो आने वाले हैं। हालांकि रेंडर्स के अंदर जो है वो फोन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और एक चीज जो है वो आप नोटिस करोगे आईफोन 15 के रेंडर्स के अंदर कि इसके अंदर जो है वो अपने को नॉच देखने को नहीं मिल रही, तो फिर अपने को जो है वो आईफोन 15 सीरीज के अंदर भी जो है वो सारे के सारे फोन्स के अंदर डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। हालांकि फिर भी प्रो मॉडल्स जो है वो कुछ ना कुछ लेवल्स पे जो है वो आगे रहेंगे ही सही। उसके अंदर जो है वो नई वाली A17 चिप आएगी जो नॉर्मल वाले वेरिएंट से 15 और 15 प्लस, उसके अंदर जो है वो A16 चिप ही आएगी। उसके साथ ही साथ अपने को जो है वो 6x का पेरिस्कोप लेंस जो है वो देखने को मिल सकता है प्रो मॉडल्स के अंदर, और बेसिकली प्रो मैक्स की जो है वो ज्यादा चांसेस हैं कि अपने को 6x पेरिस्कोप जो है वो लेंस देखने को मिले उसके अंदर। उसके साथ 48 मेगापिक्सल का वाइड वाला कैमरा जो है वो इस बार नॉर्मल वाले फोन्स के अंदर भी आ रहा है 15 और 15 प्लस के अंदर भी। और इन्होंने जो है वो वॉल्यूम बटन्स के अंदर से हैप्टिक्स हटा के उसको जो है नॉर्मल बटन बना दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ जो साइलेंट करने वाला स्विच था उसको भी जो है वो कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर। अपने को वहां पर जो है वो एक अब एक नया एक्शन बटन जो है वो देखने को मिलेगा सेम टू सेम जैसे कि अपने को एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर देखने को मिला था, और इस वाले एक्शन बटन को जो है दुनिया भर के फीचर्स के साथ में जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अंदर ऑब्वियसली आप साइलेंट मोड जो है वो ट्रिगर कर सकते हो, फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, शॉर्टकट्स वगैरह जो है वो कर सकते हो जो कि अपने को iOS के अंदर देखने को मिलते हैं। वॉइस मेमो है, एसेसिबिलिटी है, कैमरा है, फोकस मोड है, मैग्नीफायर है, और ट्रांसलेट के फीचर्स जो है वो एक्शन बटन के अंदर आएंगे, लेकिन अपेरेंटली शॉर्टकट्स के साथ में जो है वो कोई सा भी फीचर जो है वो डाल सकते हो। और पहले वाले लीक्स जो है वो मैक्सिमम जो है वो डिस्कार्ड कर दिए गए हैं, लेकिन जो एक लीक है जो अभी तक जो है बचा हुआ है वो है USB Type-C जो है वो हर एक डिवाइस के अंदर आने वाला है। पैन आईफोन 15 सीरीज के अंदर जो है वो अपने को USB Type-C देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा शानदार वाली बात है। उसके साथ साथ प्रो मॉडल्स को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं एप्पल वाले। यहां पर जो है वो अपने को बेजल्स जो है वो टाइटेनियम की देखने को मिलेगी, सेम टू सेम वही वाला मटेरियल जो कि अपने को एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर देखने को मिला था। टाइटेनियम बेजल्स के साथ में जो है वो स्क्रैचेस वगैरह तो भूल ही जाओ, कुछ भी जो है वो आने नहीं वाले, और फोन की ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ पीछे जो है वो हल्का सा कर्व भी रहेगा, जो कि जो है वो पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है आईफोन 14 प्रो सीरीज को, तो वो जो है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अब एक डिसअपॉइंटिंग चीज की तरफ, और वो है इसके डिलेज। तो लॉन्च डेट जो है वो डिले हो सकती है। कुछ जो है वो लीक और टिप्सटर्स जो है बोल रहे हैं कि आईफोन 15 सीरीज जो है वो डिले हो सकती है, जो कि एप्पल की हिस्ट्री के अंदर पहली बार होगा। टू बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली भी इस चीज को इतना बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन इतने ज्यादा लोगों ने जो है वो इस वाली चीज को बोला है कि अब मुझे जो है वो लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो अक्सर जो है वो हिस्ट्री के अंदर आईफोन्स जो है वो सितंबर के अंदर रिलीज होते हुए आए हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो है वो अक्टूबर तक जो है वो रिलीज डिले हो जाए। ये जो है वो बहुत सारे लीक्सटर्स जो है बोल रहे हैं, बहुत सारे एनालिस्ट जो है बोल रहे हैं। बेसिकली डिस्प्ले की जो है वो थोड़ी सी शॉर्टेज वगैरह चल रही है, जो कि नए वाले मॉडल्स के अंदर अपने को देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से जो है ये वाला डिले आ सकता है। नाउ ऑब्वियसली ये अपने आप में जो है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है, लेकिन अभी तक जो है वो डिसअपॉइंटमेंट अपना खत्म नहीं हुआ है। यस, ना ही सिर्फ अपने को ये वाला iPhones लेट देखने को मिलेंगे बल्कि महंगे भी देखने को मिलेंगे। iPhone 15 सीरीज के अंदर प्रो मॉडल्स के ऊपर जो है वो बेसिकली अपने को प्राइस हाइक्स देखने को मिल रही है। नॉर्मल वाले जो मॉडल्स हैं वो जो है वो नॉर्मली बिकेंगे, लेकिन प्रो वाले मॉडल्स जो है वो उसके अंदर अपने को काफी ज्यादा प्राइस हाइक देखने को मिल रही है यूएस के अंदर, और ऑब्वियसली इंडिया में आते आते ये वाले फोन जो है वो लगभग 57% ज्यादा महंगे हो जाते हैं। तो मेरी प्राइस एस्टिमेशन के हिसाब से iPhone 15 जो है वो 79,990 का मिलेगा, iPhone 15 प्लस जो है वो 89,990 का मिलेगा, लेकिन जो प्राइस हाइक्स हैं वो प्रो वाले मॉडल्स पर हैं। iPhone 15 प्रो की प्राइस जो है वो लगभग $100 यूएस के अंदर इंक्रीज हुई है, तो इंडिया के अंदर इसके इफेक्ट्स जो है वो अपने को देखने को मिलेंगे, और ये वाला फोन जो है वो लगभग 1,40,000 तक का जो है वो बिक सकता है। प्रॉपर एस्टिमेशन के हिसाब से 1,41,707 की प्राइस जो है वो सामने आई है, तो एप्पल जो है वो हो सकता है इसको राउंड ऑफ कर दे। ऑब्वियसली एप्पल जो है वो राउंड ऑफ करता है, तो हो सकता है कि वो लोग पीछे की तरफ भी जो है वो राउंड ऑफ कर दें, मतलब 139,990 का जो है वो मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे की तरफ कर दें, तो हो सकता है कि 1,45,000 का या 1,50,000 तक का जो है वाला स्मार्टफोन पहुंच सकता है। तो या प्राइस जो है वो काफी ज्यादा है। और बात करूं 15 प्रो मैक्स की, जो कि सबसे ज्यादा भारी वाला फोन होने वाला है, उसकी प्राइस जो है वो लगभग 1,67,000 जो है वो रहने वाली है। ऑब्वियसली इसको जो है वो राउंड ऑफ करेगा 167 को, ऑब्वियसली 170 जो है वो पहुंचा देगा एप्पल, तो 1,70,000 का मिलेगा अपने को आईफोन 15 प्रो मैक्स। बट बेस मॉडल की जो स्टोरेजेस है वो इंक्रीज कर दी गई है प्रो सीरीज के अंदर, तो फिर अपने को जो है वो 256 GB जो है वो देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली ये जो है
वो पहले भी जो है वो होता हुआ आया है। 64 से ये लोग 128 पर पहुंच गए थे, अब 128 से 256 जो है वो सबसे ज्यादा बेस वेरियंट की स्टोरेज रहेगी। तो ये चीज जो है वो अपने आप में ही जो है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। बट हे, रेंडर्स जो है वो बाहर आ चुके हैं और फोन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली डिले हो चुका है, बट जैसे ही वाला फोन जो है वो आएगा, मैं उसको चैनल के ऊपर कवर करूंगा, इसका रिव्यू वगैरह जो है पूरा पूरा आएगा। इसे सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं कराया तो, लाइक करने से वाली वीडियो को। दिस मिस्टर साइनिंग ऑफ, जय हिंद।